खेलो इंडिया एवं एशियन चैंपियनशिप प्रतियोगिता के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रतियोगी कनिष्क उम्र 17 वर्ष निवासी दिल्ली सहस्त्रधारा ट्रैक में डूब गया, जिसका शव आज 4 दिन बाद घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर नदी में तैरता हुआ मिला है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए कसरावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। मृतक खिलाड़ी के पिता तुलसीराम पासवान ने बताया कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूं। मेरा बेटा पढ़ाई के अलावा खेल में भी अग्रणी था। मुझे इससे काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन प्रशिक्षकों की लापरवाही ने मेरे बेटे और परिवार का सहारा मुझसे छीन लिया है। शव पर लाइफ जैकेट एवं हेलमेट नहीं होना गंभीर लापरवाही दर्शाता है। देश के लिए मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए सभी ताली बजाते हैं, गर्व करते हैं, लेकिन आज इस कठिन समय में मुझसे मिलने कोई भी बड़ा अधिकारी एवं नेता नहीं आया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद शव को दिल्ली ले जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस संबंध में खेल प्रशिक्षकों से बात की तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर आ रहे हैं। मृतक खिलाड़ी कनिष्क के पिता तुलसीराम पासवान ने कहा कि यदि खिलाड़ियों की सुरक्षा नहीं कर सकते तो ऐसे आयोजन नहीं करना चाहिए। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। और निश्चित ही इसमें कहीं ना कहीं ऐसी कमी दिखाई दी जिसकी वजह से एक होनहार खिलाड़ी को खोया है, क्या कहेंगे आप? कमी तो क्या कहेंगे कि बच्चे ने अगर सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं पहना हुआ है तो वो इसीलिए होते हैं। हमारे स्पोर्ट्स में हर खेल में सेफ्टी इक्विपमेंट्स बनाए जाते हैं इसीलिए ताकि बच्चे की सुरक्षा हो सके। अब दूसरे खेलों में तो ये रहता है कि ठीक है चोट लगती है, लेकिन स्विमिंग और वाटर स्पोर्ट्स ऐसे खेल हैं कि जिसमें सीधे जान की रिस्क होती है। तो मैं यही सभी बच्चों से कहूँगी कि बिना सेफ्टी इक्विपमेंट्स के आप लोग कभी भी पानी में नहीं उतरे, उसके बिना किसी भी तरह का एक्टिविटी आप नहीं करें। निश्चित ही प्रतियोगिता के समय की बात अलग होती है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान तो पूरी जिम्मेदारी प्रशिक्षक की होती है। कितने खिलाड़ी क्या नदी के किनारे आए हैं और कौन कौन खिलाड़ी नर्मदा में उतर रहा है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? उस समय प्रशिक्षण एक्चुअली कौन दे रहा था ये उस पर डिपेंड करता है। और जब हमारे एकेडमी के बच्चे वहाँ होते हैं, हमारे 2 लाइफगार्ड हमेशा उस समय होते हैं, हमारे 2 कोचेस वहाँ होते हैं, हमारी बच्चियाँ अगर आ रही है तो हमारी गर्ल्स की जो कोच है वो वहाँ होती है। तो हम पूरा सेफ्टी इक्विपमेंट्स के साथ ही बच्चों को पानी में उतारते हैं। बिना उसके हम लोग कभी भी बच्चों को पानी में नहीं उतारते और बिना लाइफगार्ड के हम लोग कभी भी बच्चों को प्रैक्टिस के लिए नहीं लेकर के आते। मैडम, क्योंकि जो घटना है वो जो ट्रैक है उसके आसपास हुई है जी, तो काफ़ी दूर तक बच्चे साथ में आए होंगे, जो भी प्रशिक्षक या कोच है उनके साथ ही आए होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि काफ़ी बिल्कुल नर्मदा किनारा महेश्वर की घटना ट्रैक तक पहुँचे थे, तो क्या पानी भी बढ़ा हुआ था इस वक्त? इन सारी चीज़ों को क्या ध्यान में नहीं रखा गया था? पानी का तो मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कह सकती कि इस समय क्या स्थिति थी। और चूंकि हमारे जो बच्चे थे एकेडमी के वो तो प्रैक्टिस करके जा चुके थे, ये लोग सेपरेटली अपना प्रैक्टिस के लिए आए हुए थे, जिसमें जो भी उस समय कोच होंगे ये एक्चुअली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि वो वहाँ पर बच्चों को लेकर के आए हैं, तो वो जवाबदारी लें उस चीज़ की। निश्चित ही विभाग की तरफ से आप ऐसे जो परिवार है उनके लिए क्या मदद है, और आज जो उनके सामने समस्या है कि जो बॉडी है उसको दिल्ली तक ले जाने के लिए विभाग की तरफ से कोई मदद? इसके लिए हम लोगों ने अभी हमारे डायरेक्टर साहब से बात करी है, वो जैसे हमें निर्देश देंगे हम वैसा उसको फॉलो कर लेंगे। क्या शुभ नाम और क्या पद? पवि दुबे, जिला खेल अधिकारी। एक होनहार खिलाड़ी हमने खो दिया है, तो जिस तरीके से इंडिया में पहला ऐसा ट्रैक है जो प्रकृतिगत है, तो निश्चित ही यहाँ पर कुछ सुरक्षाएँ बढ़ाई जाना चाहिए थी। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर सुरक्षा में चूक हुई है? सर, अभी तक तो ये समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा कि हो सकता है, क्योंकि वो बहुत पुराना 12 साल की उम्र से स्विमिंग वगैरह जानता था और अच्छा तैराक वगैरह था, अच्छी स्विमिंग जानता था, वो करता था, और कैकिंग कैनोइंग तो पीछे कई सालों से कर रहा है, पीछे राफ्टिंग खेलने के लिए हिमाचल भी गया था। और अभी खेलो इंडिया जो होने वाला है उसकी तैयारी के लिए जो कैंप लगा हुआ था IKCA की तरफ से और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि पहला ट्रैक यही है, इसके अलावा शायद इंडिया में और कोई ट्रैक नहीं है स्लालम का, तो बेस्ट ट्रैक है यहाँ का, और इसी प्रैक्टिस के लिए यहाँ भेजा गया। शायद एक्सीडेंट कैसे हुआ, पानी में कब उतर गया, ये सर अभी मैं कह नहीं सकता। सर, चूंकि आप कोच रहे हैं तो इसमें किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और यहाँ पर आपको क्या लगा, क्या सुरक्षा में चूक हुई? सर, बोट के अंदर तो हेलमेट वगैरह, जैकेट, लाइफ जैकेट और सब कुछ दिया जाता है, लेकिन अभी वो बच्चा जैसे मिला है कि वो ना जैकेट है ना हेलमेट है, तो इसका मतलब वो बोट में नहीं था, तो इसके लिए सर क्या कह सकते हैं कि वो बच्चा कैसे पानी में उतरा है, कब उतरा है, इसके बारे में सर हम, इसका मतलब कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि वो बिना बताए कहाँ उतरा है पानी में, या कोच साहब ने आगे ट्रैक में थे वो पीछे से गया, इसके लिए सर
कोच साहब बता पाएंगे। कहीं ना कहीं जो यहाँ कोच था उन पे भी उंगली उठती है। हाँ सर, वो कोच साहब इसका जवाब दे पाएंगे अच्छे से। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम मंजीत शेखावत है और पिछले कई सालों से हम दिल्ली के अंदर कैकिंग कैनोइंग कराते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को काफ़ी मेडल दे चुके हैं और अभी जिस तरीके की कंडीशन परिवार की है, मैं भी ये चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ही बच्चे की और पेरेंट्स के जो मदद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से हैं और अंडे की ट्रे लगाते थे इनके पापा और दोनों बच्चा बहुत होनहार है, कोई इसमें दो राय नहीं है। अभी सब जूनियर जूनियर की एज में वो मेडल की उसमें था, वो कुलदीप सर भी बता रहे थे कि बहुत अच्छा कर रहा है और दिल्ली से हमने भोपाल इसीलिए भेजा था कि भाई अच्छा करेगा और दिल्ली के लिए मेडल लेके आएगा। प्रतियोगिता में हमने एक होनहार युवा प्रतिभागी को खो दिया है और वो किसी के परिवार का चिराग भी था। निश्चित ही जो ट्रे के काफ़ी खतरनाक है, तो क्या कमियां देखी गई और किस तरीके से दुर्घटना घटी? कमियां तो देखिए कि ये जो प्रतियोगिता है ये पिछले 10 सालों से चली आ रही है और हम इसको ऑर्गेनाइज करते हुए आ रहे हैं। आप सब जानते होंगे, काफ़ी लोग आपने भी आकर वहाँ कवरेज किया है और अभी तक इस दौरान अभी तक कोई घटना नहीं हुई थी। और बच्चा जो है बिना किसी को बताए किसी को अपेंस में नीचे चला गया, कब पानी में उतरा किसी को नहीं पता। नॉर्मली क्या होता है कि बोट में लाइफ जैकेट में कोई भी जाता है, हेलमेट लाइफ जैकेट पूरे इक्विपमेंट पहन कर जाता है, जिससे कि बहुत मदद होती है। रेस्क्यू टीम होती है, वो अपना थ्रो बैग लेकर खड़ी होती है। अब बच्चा बिना बताए इतना बड़ा ट्रैक, इतनी बड़ी नर्मदा नदी है, वो कब पीछे पानी में उतरा कैसे उतरा किसी को कोई पता नहीं है। अगर हमको जगह नॉलेज होता तो हम बिल्कुल पूरी चीज़ें के साथ वहाँ रहते हैं, तत्पर खड़े रहते हैं और आज तक अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, पहली घटना है। और मैं खुद 27 इंटरनेशनल खेला हुआ हूँ, इस ट्रैक को ढूंढने वाला मैं खुद हूँ। मैं खुद यहाँ लेकर आया था पूरी टीम को, नहीं तो ये उत्तराखंड या ऋषिकेश या फिर अपना हिमाचल में प्रतियोगिता होती है, क्योंकि बहता पानी वहीं है। निश्चित ही हम भी इस ट्रैक को कवरेज करते आ रहे हैं और ये भी पता है कि जब जिस वक्त ट्रेनिंग होती पानी को भी बीच आगे रोका गया, कि पिछली प्रतियोगिता में भी पानी भी कम किया था, इस बार निश्चित ही पानी भी बढ़ा हुआ था। और यदि छात्र आपके कंट्रोल में है, जिस वक्त छात्र नदी किनारे जाते हैं तो क्योंकि आपने खोजा, आपको पता है कि ट्रैक खतरनाक है, तो उनकी सुरक्षा उस वक्त कैसे कोई उतर गया, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो परिवार ने आपको सौंपी है? नहीं, परिवार ने नहीं सौंपी है। एक्चुअल में बच्चा सिर्फ भोपाल तक मेरे पास आया था, जो कि एक स्कीम और रोल टेक्निक होती है उसको सीखने के लिए, जिसमें गिर जाते हैं। आपने भी देखा होगा बच्चा अगर वाइड वाटर में गिरा तो पलट के वापस आता है और वापस अपने गेट्स लेने चालू कर देता है। गेट्स आपने देखे होंगे ऊपर की तरफ लगे हुए, नीचे कोई गेट्स नहीं है। जिस जगह पे वो गया है बच्चा, वहाँ कोई एक्टिविटीज़ नहीं थी। और जिस तरह के आप इस बात को मानेंगे कि कभी कुछ मीडिया वालों ने, आप लोगों ने, जिसने भी जैसा छापा है पेपर में कि वो वायर कर रहा था, रेशम खींच रहा था, तो जो वहाँ मौजूद नहीं था, कम से कम जो कथन लगा रहे हैं वो सोच समझ कर लगाएं, क्योंकि बच्चा भेजा था यहाँ तक, वो मेरे साथ नहीं आया है, वो अपनी दिल्ली टीम के साथ आया है। और आप सभी को पता होगा जिस टीम के साथ जो टीम जाती है उसके साथ मैनेजर कोच सारे लोग साथ में होते हैं, पेरेंट्स कोई साथ में नहीं आते। और जो टीम जाती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कोच और मैनेजर साथ होते हैं। तो सर अभी तो सर तो आप जिम्मेवारी तो आपके तो नहीं है ना बच्चों की? मैं कुलदीप सिंह गिर। केनो स्लालम में खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी खेल के दौरान, क्या है वो आपका पुत्र था, तो क्या खबर लगी आपको और क्या कुछ देखा आपने? सर हमें तो ये बताया गया था कि मेरे बेटा जो है बाथरूम करने गया था और छलांग लगाया और गिर गया, और यहाँ जो दिल्ली का जो स्टाफ था, बच्चे हमारे से जो था, उसने कहा हम दो बार देखें और फिर उसके बाद दिखाई नहीं दिया। जो कोच था यहाँ का उनको बुलाया गया, उसने भी जोर लगाया, मिला नहीं। और मैं यही कहूँगा सर कि कुछ बच्चे के साथ लापरवाही थोड़ा सा हो गया है, ध्यान नहीं दिया बच्चों पर। ये प्रबंधन की लापरवाही रही क्या? सर अब हम नहीं थे वहाँ, सर हम इस बात कैसे कहेंगे, सर किसी के नाम हम कैसे बता सकते हैं, मगर ये लापरवाही तो है ही सर। अच्छा चलो, ये बात बॉडी मिल गई है। हाँ बॉडी मिल गया, बॉडी दिल्ली ले जाना चाहते हैं। हाँ दिल्ली तो ले जाएंगे। प्रशासन की तरफ से कोई मदद अभी मेरे अभी सर हमारे पास कोई मदद नहीं आई सर। मैं बहुत गरीब हूँ सर, बच्ची जो भी था मेरे और वही मेरे सहारा था सर। क्या नाम आपका? नाम तुलसी राम, और मेरे बेटा कनिष था सर, दिल्ली में रहता हूँ सर। मैं एक बहुत छोटा सा प्राइवेट नौकरी करता हूँ सर। कब से खेल रहा था ये खेल? ये सर काफ़ी दिन था, अभी पिछले मैं नवंबर में गया, इसमें सितंबर में गया था वहाँ हिमाचल प्रदेश सर, वहाँ से आया। मेरे बच्चा ने कहा कि भोपाल जा रहा हूँ, भोपाल फिर यहाँ आएंगे सर। और मंगलवार को 13 तारीख को मुझे 8:40 मुझे बात हुआ है, मैंने पूछा अपने बच्चों से, बेटा खाना खा लिया? हाँ बेटा, पापा खाना खा जाओ बेटा, वो कह रहे हाँ जी। उसके बाद हमारे 14 का जो यही सूचना मिला कि मेरे बेटा लापता है सर। पहले भी इसने कुछ चैंपियनशिप वगैरह जीते थे कुछ? सर अभी वो उसमें ट्रायल में था सर, यहाँ पाया था। और
काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं और बताया कि पिछले दो दिनों से जब लाश को खोजने का काम चल रहा था तो कोई भी जिम्मेदार या बड़ा अधिकारी उन तक नहीं पहुंचा और अभी भी उनके पास समस्या ये है कि दिल्ली तक डेड बॉडी को लेकर कैसे जाया जाए, क्योंकि बॉडी चूँकि काफ़ी बुरी अवस्था में मिली है उसको वहाँ तक ले जाना भी एक चैलेंज है। तो पूरा खेल विभाग और दूसरे बड़े अधिकारियों ने अभी तक उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है, काफ़ी दुखी दिखाई दिए। जो देश के लिए, जो अपने राज्य के लिए मेडल जीतने की कोशिश कर रहा था, आज उसका परिवार काफ़ी दयनीय स्थिति में है और उन्होंने शासन से मांग की कि इसकी मदद की जाना चाहिए। कैमरामैन जाहिद अजमेरी के साथ आकिल खान, SW न्यूज, कसरावत। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।